जय हिंद। कुछ अपडेट, अच्छे अपडेट, और लगभग लगभग 2-3 महीनों के अंतराल के बाद आए हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पर इस विश्वविद्यालय की तरफ से और सभी अपडेट का संबंध है पीएचडी की होने वाली प्रवेश परीक्षा को लेकर, जिसका सैकड़ों विद्यार्थी या कहीं हजारों विद्यार्थी वेट कर रहे थे कई महीनों से कि कब प्रवेश परीक्षा को लेकर कोई अपडेट आएगा। तो वेबसाइट पर आ गया है अपडेट। आप वेबसाइट पर जाकर अपडेट को ध्यान से देख भी लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। पढ़ने समझने में कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और जिनको इस वीडियो को अब आगे देखना है वही आगे देखिएगा, नहीं तो अपना समय कहीं और व्यतीत कीजिएगा। 20 मार्च 2023 का नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन ये कहता है, नोटिफिकेशन की पहली बात कि ऑफलाइन माध्यम से होगी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। दूसरी बात, प्रवेश परीक्षा होगी अप्रैल के महीने में, लेकिन एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बताई है विश्वविद्यालय ने। तीसरी बात कि इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, ये भी क्लियर मेंशन कर दिया है कि यूजीसी नेट का जो भी सिलेबस है पेपर वन का, उसकी तैयारी करनी है आप लोगों को। साथ ही साथ जिस सब्जेक्ट से आपने भरा है, आपने हिस्ट्री भरा है, पॉलिटिकल भरा है, फिलोसफी भरा है, सोशियोलॉजी भरा है, जिस भी सब्जेक्ट से भरा है उसका सिलेबस वही होगा। तो यूजीसी नेट के आपके सब्जेक्ट का सिलेबस, यानी कि यूजीसी नेट का पेपर वन और अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। उसी से संबंधित सवाल प्रवेश पत्र में या प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। अगली बात यह है कि पेपर होगा दो पार्ट्स में, पार्ट्स वन और पार्ट टू। पार्ट वन होगा 1 घंटे का, पार्ट टू होगा 2 घंटे का, और दोनों पेपर के बीच में थोड़ा सा गैप आपको मिलेगा 10 से 15 मिनट का, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर नहीं जा सकते, वही पानी पीने के लिए या फिर पानी को निकालने के लिए, यूरिन के लिए, वॉशरूम के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट थोड़ा ये है कि जो पहला वाला पेपर होगा, जो रिसर्च वाला होगा, उसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे वाले में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ट्विस्ट ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी प्रकार की, लेकिन सभी क्वेश्चन करने मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रवेश परीक्षा सीबीटी नहीं, ओएमआर माध्यम से होगी, यानी कि प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न आपको पत्र दिया जाएगा उसमें एक बुकलेट दी जाएगी, एक आंसर शीट दी जाएगी, वो पिंक वाली होती है ना, गोले गोले लगाते हैं डिजाइन वाला, वही आपको डिजाइन भरना है, ध्यान रखिएगा। और 3 घंटे 15 मिनट की होगी प्रवेश परीक्षा, 3 घंटे 15 मिनट की होगी प्रवेश परीक्षा, और प्रवेश परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। एक सुबह की पहली शिफ्ट होगी 10 बजे की, ठीक है। इसमें कहा गया है कि दूसरी शिफ्ट की जरूरत पड़ती है तो ही लिया जाएगा, अगर सेंटर में बच्चों की संख्या ज्यादा होती है, नहीं तो 1 शिफ्ट का होना तय है, और सुबह यानी कि 10 बजे से लेकर 1:15 बजे के बीच में आपकी प्रवेश परीक्षा रखी जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। एक और बात इसमें बताई गई है, मैं पढ़ देता हूँ कि प्रस्ताव, उक्त प्रवास प्रस्ताव के संदर्भ में यदि कोई अभ्यर्थी आपत्ति सुझाव देना चाहता है तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 सप्ताह के अंदर अपने आवेदन की पंजीकरण संख्या संपूर्ण विवरण के साथ हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय के बौद्ध भवन स्थित हर प्रसाद गुप्त इक्यूबेशन फाउंडेशन बैंक ऑफ इंडिया के सामने जमा करें, ईमेल आईडी पर भी दे सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि प्रवेश परीक्षा के शेड्यूल को लेकर, प्रवेश परीक्षा के पैटर्न को लेकर, या किसी भी अन्य जानकारी को लेकर जो इस नोटिफिकेशन में दी गई है, अगर किसी को लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है, कुछ करेक्शन बदलाव चाहता है, तो सुझाव यूनिवर्सिटी ने मांगे हैं तो भैया दे दीजिएगा। और अच्छी बात है कि प्रवेश परीक्षा से पहले यूनिवर्सिटी आप सुझाव मांग रहे, वो अलग बात है कि माने ना माने, ये निर्णय उसी का है, लेकिन इसमें दे दीजिएगा। लेकिन नोटिफिकेशन जो भी आया है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी खबर जरूर है कि अब आपको निश्चित हो गया कि अप्रैल के महीने में आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है, ऑफलाइन माध्यम से होनी है, 2 परीक्षाएं होंगी, यूजीसी नेट का सिलेबस है, और ऑफलाइन माध्यम से पेपर होगा, तो पेपर की तैयारी कीजिए अच्छे से, और पुराने क्वेश्चन पेपर मत पूछिएगा कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि पहले क्लियर है यूजीसी नेट, यानी कि यूजीसी नेट के पुराने पेपरों की तैयारी अगर आपके अच्छे से है, और वैसे भी परीक्षा भी खत्म भी हुई, यूजीसी नेट की परीक्षा खत्म हुई, आपने तैयारी भी करके पेपर दिया होगा, तो आप अच्छे रिवीजन में अभी होंगे मैं उम्मीद करता हूं। तो फिर से इधर ज्यादा से ज़्यादा कितना 2 हफ्ते का समय आपके पास और है लगभग, क्योंकि एडमिट कार्ड पहले आएगा फिर आपके पास डेट आएगी, लेकिन एडमिट कार्ड के अंदर डेट भी होगी, और एडमिट कार्ड और एंट्रेंस के बीच में आपको लगभग 7 से 10 दिन का समय मिलना चाहिए, ये मेरा सुझाव भी है यूनिवर्सिटी को भी और सभी को। ऐसा ना हो कि 3 अप्रैल को आपका एंट्रेंस रख दे और 1 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड, ऐसा भी ना करे। यूजीसी नेट करती है, कम से कम बच्चों को भरपूर समय दे, बच्चे टिकट करवा सके, आने जाने की व्यवस्था कर सके, क्योंकि विश्वविद्यालय आपको आने जाने का कोई TA DA नहीं देने वाला है, व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये सूचना थी आप लोगों के लिए काशी विद्यापीठ के 22 और 23 सेशन के पीएचडी की प्रवेश परीक्षा को लेकर।
अगली वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे। आपके पास कोई सुझाव है मेरे लिए, कोई सवाल है या कोई और डाउट है आपका, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और अपडेट से। तब तक के लिए अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा और मुझे विदा दीजिए। जय हिंद।